डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री क्लास एट्थ एनसीआर मैथ को कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों इस चैप्टर में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट को तो उसी में हम इसको कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन है वट कुड बी दॉसिबल वस डिजेट ऑफ अ स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ये जो हमें नीचे नंबर गिवन है इस लाइन का क्या मतलब है जो ये नंबर गिवेंस हैं इनके अगर हम स्क्वेयर रूट निकालते हैं तो उनकी वंस डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या आएगा अगर स्क्वेयर रूट निकालते हैं तो अब बच्चों ये तो हमें करना नहीं है अभी हम इसका पूरा पूरा स्क्यर रूट निकाल के देखें इतने बड़े बड़े नंबर हैं तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग होगा तो हमें क्या करना है हमें इस तरह का मेथड फाइंड आउट करना है जिससे हम सीधा इसको देख के बता सके कि इनकी जो स्क्वेयर रूट निकालने पर वंस डिजिट आएगी वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो उसके लिए बच्चों में एक टेबल आपको दिखाता हूं ये वाली तो इसमें बच्चों आप देखो मैंने यहां पे क्या लिया counting इस टेबल लिए में लिए। बच्चों मैंने क्या किया वन से लेकर तक काउंटिंग ली और उनके निकाले अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो जैसे यहां पे वन है तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे का स्क्वायर हो जाएगा फोर थ्री को थ्री से नाइन इसी तरह फोर का सिक्सटीन फाइव का ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एटी वन एंड हंड्रेड ठीक है तो ये आगे स्क्वायर और इनका अपोजिट स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट दो जैसे यहां से वन का स्क्वायर रूट हो जाएगा वन फोर का स्क्वायर रूट टू ठीक है नाइन का थ्री सिक्सटीन का फोर ट्वेंटी फाइव का फाइव इस तरह से ठीक है अब हमें नोट क्या करना है यहां से इसमें से कर लीजिए या इसमें से वो क्या है कि जैसे यहां पे था कि वन जो है वन किस किस के स्क्वायर रूट के लिए आता है जैसे यहां पे वन आता है और किसके यूनिट प्लेस पे वन है एटी वन के ठीक है तो इसमें हमें क्या देखना है कि जैसे यहां पे वन है किन डिजिट्स के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट वन आएगी तो वो कैसे देखेंगे सबसे पहले आपने देखना है कि यहां पे देखो जैसे यहां वन है और कहां पे यूनिट प्लेस पे वन है यहां पर ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जिन नंबर्स के पीछे वन होगा उनका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट वन होगा ठीक है तो यहां पर जैसे यहां पर भी दिखा देता हूं मैं आपको जैसे यहां वन है तो इसका स्क्वायर रूट वन है और कहां पर है यहां पर वन है तो इसका स्क्वायर रूट नाइन है ठीक है तो हमें यही चीज नोट करनी है यहां पे कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे आता है वन यूनिट प्लेस पे क्या आता है वन तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट वो वन भी हो सकती है और नाइन भी हो सकती है ये दोनों हो सकते हैं फर्स्ट हमारी ये ऑब्जर्वेशन है फिर बच्चों नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें देखना है जिनके पीछे टू हो तो यहां पर इस तरफ क्या टू आया है कहीं पे नहीं टू तो आया ही नहीं तो इसको अलग से हम नोट कर लेते हैं कि टू हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आया है ठीक है उसके बाद देखते हैं थ्री तो क्या किसी के यूनिट प्लेस पे थ्री आया है नहीं आया तो सेकेंड हमारा नंबर हो गया थ्री जो किसी के भी यूनिट प्लेस में नहीं आ रहा है फिर हम देखते हैं फोर फोर आया है बिल्कुल और भी कहीं फोर है देखो दो जगह पे है तो फोर जहां पे होगा जहां पे होगा फोर उसका स्क्वायर रूट जो है जब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ सकती है या तो टू आ सकती है ठीक है फोर वाले की या तो टू आ सकती है और फोर वाले की या फिर एट आ सकती है ठीक है ये हो गई हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन फिर बच्चों हम देखते हैं ने फाइव. फाइव के लिए देखो कहीं पे है है बिल्कुल यहां पे है. और कहीं पे भी फाइव नहीं है फाइव वाले की यूनिट डिजिट भी फाइव ही होती है तो यह होगी हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन अगर यूनिट प्लेस पे फाइव होगा तो हमारी डिजिट भी क्या आएगी फाइव फिर आती है सिक्स की बारे सिक्स है बिल्कुल यहां पे भी है और एक यहां पे है तो सिक्स के लिए दो डिजिट है हमारे पास सिक्स के लिए क्या क्या है सिक्स के लिए एक तो है फोर ठीक है एक है फोर और एक है सिक्स तो यहां पे लिखेंगे फोर एंड सिक्स फिर आप देखें नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं सेवन क्या कहीं पे सेवन आया है नहीं बिल्कुल भी सेवन तो आया ही नहीं तो सेवन को हम रखेंगे इस डेटा के अंदर ठीक है उसके बाद आप देखें एट एट आया कहीं पे नहीं बिल्कुल भी एट भी नहीं है तो यहां पे हम लिख देंगे एट ठीक है फिर नाइन देखते हैं नाइन आया है बिल्कुल नाइन है नाइन जो है वो थ्री वाले में है और सेवन वाले में है तो जहां पे नाइन होगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो हो सकता है या तो थ्री या फिर सेवन ठीक है तो ये बच्चों आपका ऑब्जर्वेशन आ गया उसके बाद आती है हमारी जीरो की तो हमें याद रखना है इवन नंबर ऑफ जीरो जिनके पीछे इवन जीरो होंगे इवन जीरो इवन मीन्स दो जीरो चार जीरो छ जीरो आठ जीरो इस तरह से तो उनके स्क्वायर रूट के पीछे डिजिट जो है वो जीरो आएगी और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे ठीक है अब बात करते हैं इन नंबर्स की ये जो हमने साइड में लिखे हैं तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जिनके पीछे ये नंबर्स आएंगे वो तो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे ठीक है ये जिनके पीछे आएंगे वो हो सकते हैं और चांस नहीं भी हो सकते हैं लेकिन जो ये नंबर है जिनके पीछे ये आ गया वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं एक साथ में एक और चीज ऐड करनी है इसमें ओड नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो इसका मतलब क्या है जिनके पीछे एक हो, हो, जीरो हो तीन जीरो हो पांच जीरो हो सात जीरो हो इस तरह से तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए सिर्फ ये डेटा ठीक है अब हम टेबल्स को यहां से इरेज करते हैं सिर्फ इस डेटा का यूज करेंगे फर्स्ट की स्टेटमेंट देखते हैं वट कुड बी द पॉसिबल डिजिट अब क्या वन डिजिट आएगी तो वो हम इसको देख के बताएंगे इनके स्वयर रूट के लिए अब देखो यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है नाइन एट जीरो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है नाइन एट जीरो वन अब बच्चों इसके लास्ट प्लेस पे देखो क्या है वन आया है तो वन जिसके लास्ट प्लेस पे आएगा उसका स्क्वेयर रूट में यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है वन हो सकता है या फिर नाइन तो यहां पर आंसर देंगे हम वंस डिजिट या फिर पॉसिबल पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन एट जीरो वन तो क्या होंगी वन या फिर नाइन ठीक है तो ये सिंपल सा आपने आंसर इस तरह से इसका देना है नेक्स्ट वाले में भी स्टेटमेंट यही सेम रखनी है आंसर मैं बता देता हूं आपको जैसे यहां पे सिक्स है तो सिक्स वाला इस टेबल में देखो यहां पे है सिक्स तो जहां पे सिक्स होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है फोर एंड सिक्स तो इसका सेकेंड वाले का बच्चों आप आंसर देंगे फोर कॉमा सिक्स ठीक है ये कहां से लिया हमने यहां से फिर नेक्स्ट वाले में वन आ गया तो सेम इसी तरह से आपने आंसर लिख देना है वन एंड नाइन लास्ट वाले में फाइव है ठीक है फाइव के लिए क्या होता है यूनिट प्लेस पे फाइव आता है तो थर्ड वाले का आंसर बच्चों आपका आ जाएगा फाइव ठीक है इस तरह से इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था अब सेकंड देखते हैं सेकंड में देखो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन बिना किसी कैलकुलेशन किए फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर ठीक है नीचे चार हमारे पास पार्ट गिवन है तो हमें क्या करना है हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकते कोई चांस नहीं है मतलब क्या है कि कुछ तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं लेकिन ऐसे नंबर बताओ जो बिल्कुल ही जिनकी कोई संभावना नहीं है तो उसके लिए बच्चे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये डेटा बनवाया था इसी डेटा का आपने यहां पे भी यूज करना है अब यहां पे मैंने क्या बताया था कि जिनके पीछे टू थ्री सेवन एट या फिर और जीरो आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते कोई चांस ही नहीं है तो क्या इनमें से कोई ऐसे नंबर हैं जैसे फर्स्ट को सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को तो फर्स्ट पार्ट में क्या है यूनिट प्लेस पे थ्री तो थ्री इसमें है ना तो जिसके पीछे थ्री होता है वो तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे मैथमेटिक फॉर्म में बिकॉज यूनिट डिजिट इज थ्री सो इट इज श्योरली Not परफेक्ट स्क्वायर ठीक है इस तरह से बच्चों आपने इसको जो आपको देना है नेक्स्ट वाले में देखो 257 तो इसमें सेवन आ रहा है तो सेवन भी हमारा इस डेटा में है तो सेकंड पार्ट का आंसर भी सेम आपने स्टेटमेंट बनानी है बिकॉज यूनिट यूनिट डिजिट इज सेवन सिंपल है ना इस तरह से आगे सारी स्टेटमेंट सेम आपने उतार देनी है उसके बाद नेक्स्ट आप देखें एट तो एट भी हमारा इस डेटा में आता है तो थर्ड पार्ट भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रीजन क्या है यूनिट डिजिट इज एट ठीक है तो जो मैंने बोला वही आपने लिखना है लास्ट वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा क्योंकि फोर फोर वन में पीछे जो है वन आता है और वन वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट इसमें आप लिखेंगे कैन बी कैन बी अ परेक्ट स्क्वायर ठीक है यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है बिकॉज यूनिट डिज इट इज वन ठीक है सिंपल इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट करते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड एंड वन सिक्सटी नाइन बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रेक्शन मेथड तो बच्चो यह भी हमारा एक मेथड होता है रिपीटेड सब्ट्रेक्शन जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमें वो नंबर लेना होता है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है फिर हमें इसमें से लगातार ओड नंबर कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर को माइनस करना होता है और माइनस करते करते जहां पर आपके पास जीरो आ जाए तो वो हमें स्टेप कैलकुलेट करने हैं जितने स्टेप होंगे वही इसका स्क्वायर रूट अब शुरू करते हैं जैसे यहां पे तो इसमें माइनस करते हैं पहले फर्स्ट ओड नंबर देखो क्या होता है बच्चों फर्स्ट होता है वन ठीक है तो वन को माइनस करेंगे ठीक है तो वन को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन्टी नाइन फिर ये जो नंबर आया है इसको यहां लिख लेना है आपने इसके नीचे ठीक है नाइन्टी नाइन लिख दिया अब नाइन्टी नाइन में से क्या माइनस करना है वन के बाद ओर नंबर क्या आता है वन के बाद तो टू आता है लेकिन टू और नंबर नहीं है थ्री ठीक है वन थ्री अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा नाइन्टी सिक्स ठीक है अब नाइन्टी सिक्स को यहां लिख देना है और माइनस करना है बच्चों आपने क्या फाइव अब फाइव माइनस करेंगे तो कितना आएगा नाइनटी वन ठीक है इस तरह से फिर नेक्स्ट नाइनटी वन को यहां लिखेंगे माइनस करेंगे सेवन तो माइनस कर दो सेवन तो यह आ जाएगा एटी फोर ठीक है एटी फोर को यहां ले आते हैं एटी फोर माइनस करेंगे नाइन ठीक है ओर नंबर लगातार माइनस करने हैं नाइन माइनस करेंगे कितना तो आ जाएगा सेवनटी फाइव ठीक है उसके बाद सेवनटी फाइव को लेते हैं यहां पर और माइनस करेंगे इलेवन तो इलेवन माइनस करते हैं यहां से वन फोर और सिक्स सिक्सटी फोर फिर आपने सिक्सटी फोर को यहां पे लिखना है और माइनस कर देना है थर्टीन थर्टीन को माइनस करते हैं तो कितना आएगा सिक्स माइनस फोर uh, माइनस थ्री वन और फिफ्टी वन आ गया अब फिफ्टी वन को लेते हैं यहां पर माइनस करेंगे फिफ्टीन तो कितना आएगा इलेवन में से फाइव सिक्स यहां पर जाएगा फोर में से थर्टी सिक्स ठीक है फिर आप देखें थर्टी सिक्स को लेते हैं यहां पर और माइनस करेंगे सेवनटीन तो कितना आएगा सिक्स में से तो सेवन जाएगा नहीं सिक्सटीन में से सेवन बाकी नाइन और 19 आ जाएगा फिर आप 19 में से नेक्स्ट और नंबर 19 तो देखो बच्चों यहां पे आ गया जीरो ठीक है अब हमें इनके स्टेप देख लेने कितने हमने स्टेप किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन स्टेप्स में हुआ ना यहां पे लिखेंगे टोटल टोटल स्टेप्स इज इक्वल टू टेन इसलिए सो so. स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट को इस तरह से लिखा जाता है ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू टेन तो ये था आपका रिपीटेड सब्ट्रेक्शन मेथड ठीक है सेम वे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है तो इसके लिए भी आपने इस नंबर को लेना है वन सिक्सटी नाइन माइनस करते जाना है ओड नंबर को तो पहला ओड नंबर देखो क्या होता है वन तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा वन सिक्सटी एट फिर इसको लेंगे यहां पर वन सिक्सटी एट और माइनस करेंगे थ्री तो ये आ जाएगा वन सिक्सटी फाइव फिर 165 को लेते हैं यहां पर माइनस करेंगे 5 तो 160 फिर 160 को ले लो यहां पर और नेक्स्ट और नंबर बच्चों क्या होगा 7 तो 7 को माइनस करेंगे 153 उसके बाद 153 फिफ्टी यहां पर आएगा माइनस करेंगे 9 तो ये आ जाएगा आपका 142 आएगा नहीं 144 144 फोर्टी माइनस इलेवन थीके? तो आ जाएगा वन थर्टी थ्री फिर वन थर्टी थ्री को लेते हैं और माइनस कर देंगे थर्टीन वन ट्वेंटी सेम वे में वन ट्वेंटी को लेंगे और माइनस करेंगे फिफ्टीन ठीक है क्योंकि नेक्स्ट वो नंबर फिफ्टीन है तो माइनस करते हैं तो यह वन जीरो फाइव ठीक है वन जीरो फाइव में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट वोड नंबर सेवनटीन तो सेवनटीन को माइनस करेंगे तो कितना जा जाएगा एटी एट और एटी एट में से माइनस करते हैं नाइनटीन को तो सिक्सटी नाइन फिर हम देखेंगे 69 को लेके और 69 में से माइनस कर देंगे 21 को ठीक है तो ये आ जाएगा 48 ठीक है अब स्पेस नीचे ज्यादा ना लेते हुए ऊपर करते हैं इसको 48 आ गया ना तो फोर्टी एट माइनस आएगा 23 तो 23 को माइनस करेंगे 25 और 25 को जब लेंगे तो नेक्स्ट रोड नंबर भी ट्वेंटी आ गया तो ये जीरो बन गया तो यहां पर हम स्टॉप करके अब हम देखेंगे कि हमारे स्टेप कितने हुए तो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो टोटल स्टेप यहां लिखते हैं टोटल स्टेप्स कितने हुए थर्टीन इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ वन सिक्स नाइन इज इक्वल टू थर्टीन ठीक है ये भी होता है हमारा रिपीटेड सब्टेक्शन मेथड नेक्स्ट करते हैं फोर्थ में देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं अब बच्चों प्राइम से जिसको बोलते हैं जिनकी टेबल में कोई भी आता है। जैसे सेवन ट्वेंटी नाइन किस किसकी टेबल में आता है ऐसे नंबर लेकिन कौन से नंबर जो प्राइम हो सिर्फ वो लेने हैं अब प्राइम नंबर बच्चों कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर में आपने स्टार्ट करना है टू से टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन Uh, फिर हो जाएगा बच्चों आपका सेवनटीन uh, नाइनटीन uh, फिर आपका आ जाएगा ट्वेंटी थ्री इस तरह से ठीक है इनकी टेबल में आपने कैंसिल करना है इनके अलावा किसी की टेबल में कैंसिल नहीं करना है जैसे फोर की टेबल आ गई फोर में कैंसिल नहीं करना है फोर प्राइम नंबर नहीं होता है तो फर्स्ट हमने सेवन ट्वेंटी नाइन लिख लिया है यहां पे तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं देखो पीछे नाइन है इसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल जो है अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमारी अलग से वीडियो भी है जिसका यहां पे लिंक मिल जाएगा आपको तो वो भी आप पहले देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जैसे फर्स्ट है यहां पे नाइन तो जिसके पीछे नाइन हो वो टू के टेबल में तो आएगा ना थ्री की टेबल में आ सकता है अगर इनका सम थ्री के टेबल में आए सेवन टू नाइन नाइन एटीन तो ये थ्री के टेबल में कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल करेंगे तो थ्री टू जय सिक्स थ्री फोर जय ट्वेल्व थ्री थ्री जय नाइन टू फोर्टी थ्री आ जाएगा फिर से बच्चों देखो ये थ्री के टेबल में आ रहा है थ्री एट जा ट्वेंटी फोर थ्री वन टेबल में आता है तो थ्री पे कैंसिल करते हैं तो थ्री पे जब आप बच्चों कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा ट्वेंटी सेवन ठीक है और फिर से ट्वेंटी सेवन भी थ्री के टेबल में आता है तो थ्री के टेबल पे कैंसिल करो थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन फिर थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री वन जा थ्री तो ये आपके फैक्टर्स गए अब आपको क्या करना है यहां पे लिखना है 729 जिसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं और जितने फैक्टर हैं सारे लिख देने थ्री थ्री कितनी बार है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसके बाद इनकी पेयरिंग करनी है पेयर बनाने हैं जो पेयर जैसे यहां पर पे, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर और हर एक पेयर में से सिर्फ एक एक लेना है ठीक है हर एक पेयर में से एक ठीक है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट टी नाइन इज इक्वल टू इन दोनों में से एक थ्री यहां से आ जाएगा एक यहां से आ जाएगा और एक आ जाएगा यहां से तो जो ट्वेंटी सेवन इसी तरीके से हम करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में है फोर हंड्रेड तो सिंपल है जिसके पीछे जीरो हो तो बच्चों तो वो जो है टू और फाइव दोनों के टेबल में आ सकता है तो छोटे से स्टार्ट करते हैं हम टू से स्टार्ट करते हैं टू टू जा फोर होता है दोनों जीरो एज इट इज आ जाएंगे फिर से टू पे कैंसिल करो हंड्रेड आ जाएगा फिर आप टू पे कैंसिल करेंगे तो टू फाइव जो टेन फिफ्टी फिर से टू पे करेंगे तो ट्वेंटी फाइव अब बच्चों ये टू की टेबल में नहीं आएगा फाइव की टेबल पे कैंसिल होगा तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव और फाइव जा फाइव तो ये बन गए इसके फैक्टर अब हम इसको लिखेंगे फोर हंड्रेड और इसके फैक्टर इसके सामने तो फोर कितनी बार सॉरी टू कितनी बार है वन टू थ्री फोर तो वन टू थ्री फोर सेम वे में फाइव वन टू अब इनकी पेयरिंग कर दो फर्स्ट पेयर यहां पे सेकंड पेयर यहां पे और थर्ड पेयर ये हो जाएगा अब ये जो पेयर है इनमें से एक एक लेना है तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट ठीक है फोर हंड्रेड का स्क्वायर रूट यह आ जाएगा यहां से एक टू आएगा फिर एक आएगा यहां से मल्टीप्लाई में और एक आएगा यहां से फाइव तो टू टू जो फोर फाइव जो ट्वेंटी तो इनका स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा आपका ट्वेंटी सेम वे में करते हैं थर्ड क्वेश्चन थर्ड में देखो सेवन वन सेवन वन सेवन सिक्स फोर ठीक है इसके पीछे बच्चों टू फोर है तो ये जो है वो टू की टेबल में आसानी से कैंसिल हो सकता है तो टू की टेबल पे करते हैं टू पे करेंगे तो ये आ जाएगा एट एट टू ठीक है टू एट 16 टू एट 16 टू ज फोर ठीक है फिर से हम टू पे करते हैं तो फोर फोर वन ये आपने खुद सॉल्व करके देखना है सिंपल मैं आपको जल्दी से करवा रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो फिर आप देखें यहाँ पे फोर फोर एट और वन नाइन तो नाइन जो है वो थ्री की टेबल में आता है, थ्री पे करेंगे ये आ जाएगा फिर से थ्री पे करेंगे तो आ जाएगा फोर्टी नाइन और बच्चों फोर्टी नाइन जो है वो आता है सेवन की टेबल में और सेवन आता है सेवन की टेबल में अब इसके हम बनाते हैं इनकी सीरीज टू मल्टीप्लाई टू फिर मल्टीप्लाई थ्री सॉरी थ्री मल्टीप्लाई थ्री फिर सेवन मल्टीप्लाई सेवन और इनके पेयर जब बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा टू का एक थ्री का और एक सेवन का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका वन सेवन सिक्स फोर का स्क्वायर रूट टू थ्री सेवन ठीक है और मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी टू ठीक है नेक्स्ट करते हैं फोर्थ में है फोर जीरो नाइन सिक्स तो बच्चों इसके पीछे सिक्स आ रहा है तो ये टू की टेबल में कैंसिल होता जाएगा आगे तक तो जल्दी से कर देते हैं टू यहां पर जाएगा टू जीरो फोर एट फिर से आप टू पे करेंगे तो टू टेन जे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है फिर से टू पे करेंगे तो फाइव वन टू फिर से टू पे करेंगे तो टू फाइव सिक्स ठीक है तो मैंने इसको जल्दी से सॉल्व किया है आप जो है इसको ध्यान से खुद भी कर सकते हैं टू पे करेंगे तो 128 आ जाएगा बच्चों फिर से टू पे करोगे तो 64, और फिर से टू पे करोगे तो 32, 32 भी टू की टेबल में आता है 16 पे फिर ये टू की टेबल में आता है 8 पे और फिर ये टू की टेबल में 8 फोर पे और फिर टू पे और फिर आ जाएगा वन पे तो बच्चों यहाँ पे टू आया है देखो कितनी बार वन टू थ्री फोर फाइव इनके पेयर बना देता हूं मैं यहीं पे. आपने अलग से लिख के जैसे मैं पीछे करवा रहा हूँ आपको वैसे करना है तो फर्स्ट पेयर बनेगा ये वाला ठीक है फिर यहां पे ये सेकंड पेयर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ठीक है सिक्स पेयर यहां से आ जाएगा टू फिर यहां से टू इस पेयर में से एक टू एक यहां से और एक यहां से और एक यहां से तो ये आ गया टू टू जे फोर टू जो एट टू जो सिक्सटीन टू 32, 64. तो तो बच्चों इसका जो है है वो आ जाएगा आपका ठीक में में करते हैं आप आप देखें seven, seven, four, four. तो इसको आप two की टेबल पे पहले कैंसिल करेंगे टू की टेबल पे करेंगे तो ये आ जाएगा टू थ्री जै सिक्स टू एट जिक्सटीन सेवन टू ठीक है फिर से ये टू की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा तो वन नाइन थ्री सिक्स फिर से टू की टेबल पे करेंगे तो टू नाइन जटीन होता है फिर सिक्स फिर एट ठीक है फिर से टू पे करेंगे तो फोर एट फोर अभी भी ये टू की टेबल पे कैंसिल हो रहा है बच्चों देखो से टू फोर टू टू जो फोर टू फोर जा एट टू टू जै फोर फिर से टू की टेबल पे करेंगे तो वन ट्वेंटी ये जो वन ट्वेंटी वन है वो सीधा इलेवन की टेबल पे आता है ये आपको ध्यान रखना है इलेवन इलेवन जा वन ट्वेंटी वन होता है और इलेवन की टेबल में ये आ जाएगा वन पे अब इसके बना देते हैं पेयर तो एक पेयर यहां पे बन जाएगा एक पेयर यहां पे एक यहां पे और एक यहां पे ठीक है फर्स्ट पेयर में से आ जाएगा टू मल्टीप्लाई सेकंड पेयर में से भी टू मल्टीप्लाई थर्ड में से भी टू और लास्ट पेयर में से इलेवन तो टू टू जा फोर टू जा एट इलेवन जा एटी एट ठीक है तो ये आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो सिक्स पार्ट सिक्स में बच्चों इसका है नाइन सिक्स जीरो फोर तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं टू की टेबल पे पहले कैंसिल होगा ये तो यह आ जाएगा फोर एट जीरो टू फिर से टू की टेबल पे कैंसिल करेंगे तो टू फोर जीरो वन अब जो है टू की टेबल पे नहीं होगा ये थ्री पे भी नहीं हो, थ्री पे फोर टू सिक्स सेवन नहीं होगा ठीक है अब ये होगा सेवन पे करके देखना आप तो सेवन पे आ जाएगा थ्री फोर्टी थ्री फिर से ये सेवन की टेबल पे जाएगा तो ये आ जाएगा फोर्टी नाइन ठीक है फिर आप देखें सेवन की टेबल पे फोर्टी नाइन आता है बिल्कुल आता है सेवन पे और सेवन बन जाएगा सेवन तो इसके जो पेयर बनेंगे वो आप देखें एक तो टू वाला पेयर बनेगा एक सेवन वाला और एक और सेवन वाला बनेगा तो टू मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन तो यह आ जाएगा नाइनटी एट तो ये आपका इसका आंसर है नेक्स्ट है इसमें देखो आप फाइव आ, ये नाइन है बच्चे टू पे भी नहीं जाएगा बच्चों ये ना थ्री पे जाएगा क्योंकि इनका सम जो है वो थ्री के टेबल में नहीं आता है फाइव पे भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे ना तो फाइव है ना ही जीरो है तो सेवन पे ये कैंसिल हो जाएगा सेवन पे जब आप कैंसिल करेंगे सेवन एट जब फिफ्टी सिक्स एट फोर सेवन आ जाएगा ठीक है तो आपने खुद इसको सॉल्व करके देखना है सेवन के टेबल पे तो यही आएगा फिर से सेवन पे करते हैं तो ये आ जाएगा सेवन मुंबे सेवन सेवन पे जो फोर्टीन सेवन मुंबर सेवन ठीक है वन ट्वेंटी वन और ये अभी अभी पिछले सब में करवाया था मैंने इलेवन पे कैंसिल होगा इलेवन और फिर से इलेवन पे वन तो ये छोटा सा हो गया हमारा दो इसमें पेयर्स बन जाएंगे बच्चों सेवन का और इलेवन का तो सेवन मल्टीप्लाई इलेवन ओ सॉरी इलेवन तो आंसर आ जाएगा सेवनटी सेवन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज सेवेंटी सेवन फिर नेक्स्ट है आपका एट्थ पार्ट एट्थ में देखो टू पे करेंगे बच्चों इसको तो यह आ जाएगा फोर सिक्स जीरो एट फिर से टू पे करेंगे तो यह आ जाएगा टू थ्री जीरो फोर ठीक है फिर से आप अगर टू पे करते हैं तो टू वन जय टू टू वन जय टू फाइव टू ठीक है इसके बाद टू पे फिर से ये टू पे होगा क्योंकि पीछे टू है तो फाइव सेवेंटी सिक्स आ जाएगा बच्चों ये आपका फिर से टू पे ये अगेन कैंसिल होगा टू एटी एट फिर टू पे करेंगे तो वन फोर्टी फोर फिर आप टू पे कर सकते हैं इसको वन फोर्टी फोर को 72 टू आ जाएगा बच्चों फिर से आप कर सकते हैं टू पे तो थर्टी सिक्स और टू पे एटीन फिर से टू पे नाइन लेकिन अब नाइन जो है बच्चों वो आता है थ्री पे तो थ्री थ्री जा और फिर थ्री पे कैंसिल करेंगे तो वन तो बच्चों यहां पे पेयर आपके बनेंगे जो वो बन जाएंगे देखो यहां पे एक टू का बनेगा फिर टू का फिर टू फिर यहां पे भी टू एक और और एक लास्ट वाला थ्री का तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप टू टू जाोर टू जो जा एट टू जै सिक्सटीन टू जो थर्टी टू थ्री जा ये आ जाएगा नाइनटी सिक्स ठीक है ये आपका आंसर है नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है बच्चों टेंथ पार्ट जो है आपका सॉरी नाइन्थ फाइव ट्वेंटी नाइन अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये किसी भी भी कैंसिल नहीं होगा टू थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ये सीधा जो है कैंसिल होगा ट्वेंटी थ्री पे ठीक है ट्वेंटी थ्री की टेबल में ट्वेंटी थ्री पे ही आता है क्योंकि ट्वेंटी थ्री का जो स्क्वायर होता है ना बच्चों वो होता है फाइव टू नाइन ठीक है तो अब उसके बाद ये भी एक प्राइम नंबर है तो ये वन पे आ जाएगा तो बच्चों इसका सिंपल सा एक ही पेयर बनेगा और आंसर बनेगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ट्वेंटी नाइन ज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ये सिंपल सा आंसर बनेगा नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा लेंथी बनेगा तो उसको हम करते हैं सॉल्व एटी वन हंड्रेड ठीक है तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि एटी वन हंड्रेड है पीछे आती है जीरो तो ये टू पे कैंसिल कर दो इसको 2 पे करोगे तो यह आ जाएगा फोर जीरो क्योंकि ना जाने की जीरो और फिर टेन बन जाएगा टू फाइव जो टेन यहां पर ये जरूर यूज करना है बच्चों आपने बहुत से बच्चे ना जाने वाली जीरो यहां पे यूज नहीं करते हैं जिस वजह से गलत हो जाता है फोर फिफ्टी लिख देते हैं सीधा तो ये नहीं लिखना है उसके बाद फिर से आप टू पे करेंगे तो यह आ जाएगा टू जीरो टू फाइव अब ये बच्चों थ्री पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका सम जो है वो थ्री के टेबल में आता है सिक्स सेवेंटी फाइव फिर से थ्री पे करेंगे तो टू ट्वेंटी फाइव फिर से थ्री पे हो जाएगा ये थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन थ्री फाइव जो फिफ्टीन ठीक है फिर थ्री पे करेंगे तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा फिर ये फाइव पे कैंसिल होगा फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव और फाइव पे वन अब हम इनकी पेयरिंग कर देते हैं पेयरिंग करने के बाद एक पेयर तो बच्चों यहां पे बनेगा आपका टू का एक बनेगा थ्री का एक थ्री का और ये फाइव का तो टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव तो ये आ जाएगा थ्री थ्री जो नाइन और फाइव टू जो टेन तो नाइनटी ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री के फर्स्ट फोर क्वेश्चन को ठीक है और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपके लिए वीडियो का पार्ट टू आएगा उसमें आप देख सकते हैं ठीक है उसका लिंक भी आपको लास्ट में मिल जाएगा धन्यवाद